विद्यार्थीओ परीक्षाथी गभराय नहीं अने तेने उत्सव समझीने परीक्षा आपे तेवा उद्देश साथे आजे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदीए देशभरना बाळकोने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर संबोधन कर्युं हतुं। આજે ભુજની કેન્દ્રીય વિદ્યાલય બે ખાતે લગભગ 800 જેટલા બાળકોએ વડાપ્રધાનશ્રીનું પરીક્ષા અંગેનું વક્તવ્ય સાંભળ્યું હતું અને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી પ્રશ્નોત્તરી રસપૂર્વક નિહાળી હતી। બાળકો અને શાળાના આચાર્યએ આજના કાર્યક્રમ અંગે ચંચળ ન્યૂઝ સાથે વાત કરી હતી। મેરા નામ સોનલ રામભાઈ ગઢવી હૈ। મુજે બહોત અચ્છા લગા કે હમારે પ્રધાનમંત્રી હમ જૈસે વિદ્યાર્થીઓ કે લિયે ભી સમય નિકાલતે હૈ और हमें जैसे स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत सारी हमें चीज़ें बताते हैं जो हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक होती हैं। ये 2018 से परीक्षा पे चर्चा चले आ रही है और इसे मैं हर साल देखती हूँ बड़े उत्साह से। मुझे ये देखना बहुत पसंद है क्योंकि प्रधानमंत्री हर बार कुछ हमारे लिए नया सोच विचार करके लाते हैं और ये बहुत ही मार्गदर्शित करता है हमें। मेरा नाम नम्रता चौहान है। आज की परीक्षा पे चर्चा ये विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है। इसमें प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया है कि किस तरह हम अपने आत्ममनोबल को सबसे आगे रखते हुए हम अपनी जीवन की परेशानियों से लड़ सकते हैं। ये केवल हमारे विद्यालय की या आगे होने वाली किसी परीक्षाएँ नहीं, हमारे जीवन में आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं उन सबसे हमें लड़ने के लिए आज एक तैयारी मिलती है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो हमको संबोधित किया है, इस चीज़ से बताया है कि परीक्षा को कैसे हैंडल करना चाहिए। मैं इसको सिर्फ एक पढ़ाई वाली परीक्षा नहीं मानता हूँ, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि परीक्षा आपके जीवन में हर समय आएंगी, मुश्किलें आपके जीवन में हर समय आएंगी, लेकिन आप उनसे कैसे डटकर निकलते हैं, कैसे उनको फेस करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी आपको जीवन में किसी प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए। डर एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको कई चीज़ें नई चीज़ें खोजने में करने में एक मुसीबत और मुश्किल की तरह काम आती है। मैं एक चीज़ और प्रधानमंत्री जी से बहुत खुश हुआ, उन्होंने जो बात की कि मार्क्स की बात की कि मार्क्स फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्क्स आपके 20 ही आए 40 में या 40 में 40 आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, आपका टेम्परामेंट आपका एटीट्यूड कैसा है उससे फ़र्क पड़ता है कि आप जीवन में क्या करेंगे। मैं राजेश त्रिवेदी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आर्मी भुज का प्रिंसिपल। आज प्रधानमंत्री जी का जो प्रोग्राम था परीक्षा पे चर्चा, इस प्रोग्राम में हमारे स्कूल के 800 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसके अंदर भाग लिया। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को मोटिवेट किया। उनका जो संदेश था कि एग्ज़ाम लाइफ में हमेशा आते रहेंगे, लेकिन इन एग्ज़ाम को मुसीबतों के रूप में नहीं देखना है, बल्कि हमको उसको उत्सव के रूप में मनाना है, त्यौहारों के रूप में मनाना है, क्योंकि यही एग्ज़ाम है जो हमको आगे सफल बनाएंगे और हमारी लाइफ में अलग अलग तरह के रंग भरेंगे। तो बच्चों के अंदर परीक्षा को लेके और उनके अभिभावकों के अंदर परीक्षा को उनके मार्क्स को लेके जो तनाव था, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों के सवालों का जवाब दिया, उनके तनाव को किस तरह से कम किया जाए उसके बारे में सलाह दी। तो मैं बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे बच्चे इससे अच्छी सीख लेंगे और निश्चित रूप से इस परीक्षा में एक अच्छे सफल होकर उभरेंगे।